Hello friends, welcome to my channel and a very very good evening to all of you. तो आज है Tuesday 10th of December. तो बस मैंने evening time से मेरा vlog मैंने start किया है और I believe कि आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं. मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और मैंने बस kitchen से ही direct अपना vlog start कर दिया है आज. तो आज मैं बना रही हूँ vegetable fish curry जो कि काफ़ी simple है. तो मैं कोशिश करती हूँ कि special dishes के साथ साथ सिंपल डिशेस जो हम नॉर्मली घर में खाते हैं वैसे डिशेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूं. फ़िश करी हम जनरली बहुत टाइम पे आलू गोभी ये देख के तो हम खाते हैं, लेकिन आज मैंने कुछ डिफरेंट सा वेजिटेबल्स यूज़ किया है. मैंने यहाँ पे कैरेट का यूज़ किया है, लेकिन खाने में सीरियसली काफ़ी अच्छा हुआ था. अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं घर में. और मुझे लगता है कि बहुत लोग ही वेजिटेबल्स के साथ फ़िश बनाते हैं तो फिर वो टू इन वन भी हो जाता है, वेजिटेबल्स भी जाता है और साथ में फ़िश भी हम खा लेते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है. तो यहाँ पे मैंने बाशा फ़िश लिया है, इसको मैंने हल्दी और नमक लगा के मैंने इसको फ्राई कर लिया है. उसके बाद मैं उसी तेल पर थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर दिया है, इलायची दालचीनी फिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर और अदरक. अदरक को मैंने ग्रेट करके दिया है. फिर इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने टोमेटो ऐड कर दिया है. यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के टोमेटोस लिए हैं, तो टोमेटो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद मैंने जो वेजिटेबल्स कट करके रखे वो मैंने ऐड कर दिया है. तो मैंने यहाँ पे आलू गाजर और कैप्सिकम लिया है जो कि देखने में भी काफ़ी कलरफुल लग रहा है, आप देख सकते हैं, और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगा हम सभी को. और नॉर्मल के जो मसाले हैं वो मैंने ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर जीरा पाउडर और कोरिएंडर पाउडर. मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी मैंने इसको दे के ढक के रख दिया था. जब वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गए और ग्रेवी से ऑयल रिलीज हो गया तब मैंने फ़िश को ऐड कर दिया और इसके बाद ग्रीन चिली और कोरिएंडर दे के मैं इसको सर्व कर दूंगी. तो बस बहुत ही सिंपल है और बहुत सिंपल वे में ऐसे टेस्टी खाना हम खा सकते हैं. तो ऐसे फिश करी अगर बनते हैं घर में तो और कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ग्रेवी जो है वो पतला रखा था और जिससे हम राइस के साथ आसानी से खा सके. तो बस मैंने राइस ही बनाया और साथ में ये फिश करी आराम से हमारा हो गया था. हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का आप देख सकते हैं ये व्यू है. लग रहा है शायद ये रात की व्यू है लेकिन नहीं, ये मॉर्निंग की ही व्यू है क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग 7:38 तक इस तरह से ऑलमोस्ट अंधेरा ही रहता है. और फिर से मैं आ गई हूँ किचन में. जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है सुबह के किचन का, बस वही मैं कर रही हूँ. हस्बैंड के लंच की प्रिपरेशन और जो भी वो लोग खा के जाते हैं बस वो रेडी करने के लिए आ गए हैं. मैंने यहाँ पे हस्बैंड को एक मिक्स्ड राइस वेजिटेबल राइस बना के दिया है और रोहन का स्पेशली सुबह के टाइम पे बहुत वो खाने के लिए बहुत वो नखरे करता है, इसलिए कभी कभार मैं उसे खिला देती हूँ या दूध जो भी मैं बनाती हूँ मैं पिला देती हूँ, नहीं तो वो बैठा ही रहता है नहीं खाता है, जो कि बच्चों का बहुत ही कॉमन नेचर है. मैं भी जब छोटी थी ऐसी ही थी. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. तो बस अभी काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ. अभी ऑलमोस्ट रात का ही टाइम है और इवनिंग टाइम में हमारे कुछ फ्रेंड्स आए थे तो उन लोगों के साथ बस बातें वगैरह हो रही थी और कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है. तो मैंने सोचा कि वो बातें भी शेयर करूँ और साथ में ये व्लॉग भी मैं एंड करूँ. आप बोल सकते हो कि एक मिक्स रिएक्शन है, दुख भी है और साथ में खुशी भी है. तो बात यह है कि हम जहाँ पे रहते हैं अभी लीड्स में, तो हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं किसी और जगह पे, तो कुछ ही दिनों में हमारी शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो ये है अपडेट जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ा एक अभी स्टेप है कि मेरे हस्बैंड के जो प्रोजेक्ट हैं उनके प्रोजेक्ट के लिए ही हमें किसी और जगह पर शिफ्ट होना पड़ रहा है. सीरियसली जब हमें पता चला कि यहाँ से हम जा रहे हैं बहुत बहुत दुख हो रहा था. ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है हमारा लीड्स पे,
एक ही साल हुआ है, लेकिन फिर भी पता नहीं काफ़ी अटैचमेंट हो गई है इस जगह से, यहाँ के लोगों से, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स हो गए थे हमारे। और हम जिस अपार्टमेंट में अभी रहते हैं वहाँ भी बहुत ही अच्छे, बहुत क्लोज, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हमें मिले, जो कि हम काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे से। और यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि दुर्गा पूजा के टाइम पे, तो वहाँ पे भी काफ़ी फ्रेंड्स हो गए थे, किसी किसी के साथ तो बहुत ही अच्छा एक रिलेशन बन गया है। तो बुरा तो लगता है जब आप किसी जगह से थोड़ा सा अटैच्ड होना स्टार्ट करते हो, तभी आपको अगर पता चले कि आपको ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो है एक इमोशनल फीलिंग है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, जॉब पे किसी का हाथ नहीं है। और ये इस घर को भी मैं काफ़ी मिस करूँगी, और इस घर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि यहीं से मैंने मेरा यूट्यूब जर्नी मैंने स्टार्ट की है। और स्पेशली मैं बोलूँगी हमारे घर के बाहर का जो व्यू, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो तो हमेशा ही बोलती है कि ये व्यू तो मस्ट ही होता है तुम्हारे व्लॉग्स में, तो इस व्यू को भी मैं काफ़ी मिस करूँगी, एक्चुअली सब कुछ ही मिस करूँगी। लेकिन जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वहाँ हमारे पहले के कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऑलरेडी कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, और शायद नए फ्रेंड्स भी होंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद से ही पैकिंग का जो हमारा काम है वो हम धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे वो पॉसिबल नहीं होता। थोड़ा थोड़ा करके अगर स्टार्ट कर दे तो लास्ट में टेंशन थोड़ा सा कम रहता है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, फिर नई जगह पे जाके थोड़ा सा सेटल होने में भी टाइम लगेगा, तो वो तो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो यही एक अपडेट है जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ा एक अपडेट है। तो बस यही बात आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी, और हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं बाद में आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। और एक बात कि अभी नेक्स्ट वीक हमारे घर में एक फंक्शन है, वो क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। रोहन का बर्थडे है, बस उसकी तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, और बच्चे तो पता ही है कितने एक्साइटेड रहते हैं वो अपने बर्थडे के लिए। तो बस यही आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तो आप सब बहुत बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और अपना ध्यान रखिए। Bye bye, see you and take care.